ऑल so, क्रेडिट आज था ट्यूसडे फिन निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की वीकली एक्सपायरी थी आज के दिन में क्योंकि मेनडेड के दिन में मार्केट बंद रहेगा कल के दिन में मार्केट बंद रहेगा मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन हुआ फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होने के बाद निफ्टी में थोड़ा बहुत ट्रेंडिंग मूव था अब देखो निफ्टी में ट्रेंडिंग मूव आ रहा है बट अपसाइड आ रहा है अपसाइड में इशू ये है कि वो अनचार्टेड टेरिटरी है मार्केट कितना ऊपर जा सकता है कहां तक जा सकता है किसी को नहीं पता रैंडम गैसेस करना पड़ेगा एक्सपेक्टेशन था कि फिन निफ्टी बैंक निफ्टी हल्का फुल्का मोमेंटम आ सकता है लोग पैसे कमा सकते हैं बट उसमें भी इशू क्या था मोमेंटम स्लो था प्रीमियम्स मूव नहीं कर रहे थे

तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कोई भी कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट न्यूज वेनर्सडे के दिन पे यहाँ पर नहीं आने वाला और बाय द वे मैंने इसलिए यहाँ पर आज के दिन पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा करूँ कल रिकॉर्ड करने का जरूरत ही नहीं क्योंकि अभी पता है आपने वो कुछ ज्यादा न्यूज़ इंपॉर्टेंट सोफ और दिख नहीं रहा है अपकमिंग कोई इवेंट दिख नहीं रहा है तो, तो, तो की चलो भाई आज ही हम क्रिएट कर देते हैं वीडियो और आपको कल के दिन पर ये फिर आफ्टरनून में मिल जाएगा अब बात करते हैं कि हम लोग आज के दिन में मार्केट ने क्या किया चाहे फिन निफ्टी हो फिन निफ्टी कहाँ ओपन हुआ फिन निफ्टी यहाँ ओपन हुआ करेक्ट ये ऑलमोस्ट सोलह जुलाई Uh, इस लेवल्स के आसपास दिस वाज़ द ओपनिंग कैंडल क्या किया इस लेवल्स पे कैसे पैसे बनेंगे बिल्कुल नहीं बनेंगे क्यों नहीं बनेंगे उसके पीछे का रीजन ये ऐसा नहीं कि बिल्कुल मोमेंटम नहीं मोमेंटम हुई बट ऑप्शन के प्राइजेज ही मूव नहीं कर रहे थे पुट ऑप्शन अगर आप कैलकुलेट करके देखो तो आपको दिखेगा उसमें क्या ही मोमेंटम हुआ अब इतने से मोमेंटम में क्या स्टॉप लॉस क्या टारगेट कुछ बनेगा ही नहीं अच्छा हम लोग ने यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करके देखा ब्रेकडाउन भी होने के बाद कोई मोमेंटम नहीं इसमें अगर हम बैंक निफ्टी में देखते हैं बैंक निफ्टी में हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया चलो बॉस ब्रेकडाउन आने पर कोई मोमेंटम वगैरह आएगा नहीं यहां पर देखो सपोर्ट था सपोर्ट था यहाँ पर सपोर्ट था ब्रेकडाउन आया उसके बाद कुछ फॉलो थ्रू हुआ नहीं हुआ यहाँ पर ब्रेकडाउन में किसने पुट बाय किया होगा साइड वेज साइडवेज 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 करते हुए प्रीमियम बस प्रीमियम ही खाया गया है जो करंट एक्सपायरी पे ट्रेड किया वो तो फंसा ही फंसा बंदा

अगर यहाँ पर आप डेली चार्ट उठा के देखोगे निफ्टी का तो यहाँ पर ये भैया क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि निफ्टी एग्जॉस्ट हो चुका है एग्जॉशन के बाद मोमेंटम डाउन साइड आना चाहिए अभी हर कोई पुट लेके बैठेगा तो मार्केट इतना इजीली गिरेगा नहीं तो अगेन यहाँ पर चांस बन जाता है एक और डोजी क्रिएट करने का डोजी क्रिएट होगा तो ऑप्शन बायर तो यहाँ पर फंसने नहीं वाला है तो ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट लेवल्स टूटते तब एक्शन लेना और क्वॉटिटी कम रखना अब मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से अगर आप यहाँ पर आप ध्यान दोगे अब फिर निफ्टी को हटा देते हैं फिर निफ्टी अभी इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए अब निफ्टी और बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट है निफ्टी में भी सेम सिचुएशन है बैंक निफ्टी का आप आपको बता देता हूँ देखो बैंक निफ्टी ने क्या किया ना यहाँ पर एक नैरो रेंज में आके यहाँ पर क्लोजिंग दे दी अब अगर आप यहां पर ध्यान देते हो ये प्रॉपरली ट्रेंगुलर पैटर्न है ये पहले सबसे बड़ा रेंज उसके बाद फिर थोड़ा कम रेंज फिर ये कम रेंज और यहाँ पर आपको दिख रहा है मतलब ये कहीं ना कहीं चोक किया जा रहा है इस लेवल्स पे अब यहां पर प्रोबेबिलिटी क्या होती है आपको एक कैलकुलेशन समझाता हूँ जो मेरे माइंड में है रेस्ट मार्केट इज ऑलवेज सुप्रीम वो देखा जाएगा क्या करता है मार्केट रेस्ट देखो अब यहां पर क्या है यहाँ पर चोक किया जा रहा है करेक्ट ये हर कोई बना के बैठेगा राइट ट्वेंटी थर्ड जुलाई को आपको पता है बजट आने वाला है अब अज्यूम करते हैं कि कल के दिन पे मतलब थर्सडे के दिन पे यहाँ पर ब्रेकडाउन देता है तो यहां पर ही सपोर्ट खड़ा हुआ है फिफ्टी टू वन फोर्टी का या लेट्स से यहां पर ही ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पर रिजेक्शन खड़ा हुआ है फिफ्टी टू सेवन फोर्टी का तो यहां पर मुझे प्रॉबिलिटी ये लगती है कि एक साइड जहां पर भी ब्रेकडाउन देता है या ब्रेकआउट देता है उस साइड ये फेक देगा मोमेंटम मतलब फेक क्या आ, कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्रैप क्रिएट करेगा अगर अपसाइड पहले ब्रेकआउट देता है तो ये अपसाइड ट्रैप करते हुए नीचे नीचे सकता है नीचे के साथ ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की की ट्रैप करते हुए ऊपर तरफ आने की, यहाँ पर दिख रही क्योंकि हर कोई बना के बैठा है ट्वेंटी जुलाई ये जो डे है इसको ध्यान रखना पड़ेगा जिस हिसाब से मार्केट मूव कर रहा है ये कहीं ना कहीं बजट से पहले मूव देने के लिए रेडी नहीं है कहीं ना कहीं ये फसाने के लिए यहां पर रेडी बैठा हुआ है तो अपने को इससे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इंपॉर्टेंट लेवल्स टूटते हैं बिफोर बजट एक तो प्रीमियम इन लोगों ने हाई करके रखे हैं दूसरा चीज क्या है मोमेंटम यहां पर स्लो करके रखा है तो ऐसा ऐसे सिचुएशन में अपने को कैपिटल एकदम छोटा रखना चाहिए अगर हम ज्यादा कैपिटल के साथ ट्रेड करेंगे तो फंसने के चांसेस हैं जब फिर टाइम आएगा बड़ा पैसा कमाने का जैसा uh, 23 जुलाई को मोमेंटम पहले हो गया लेट्स से 11:00 बजे तक सॉर्ट आउट हो गई चीजें वोलेटिलिटी थोड़ी बहुत कम होने लगी फिर मोमेंटम आता है वोलेटाइल मोमेंटम नहीं वन साइड मोमेंटम आने के चांसेस होते हैं तब अपने पास वो कैप्चर करने के लिए कैपिटल रहना चाहिए वो कैपिटल कैसा रहेगा अब अगर हम लोग यहाँ पर मस्ती कर देंगे पैसा गवा देंगे तो फिर वो टाइम के लिए कैपिटल नहीं रहेगा तो इस चीज़ को ध्यान रखो इंपॉर्टेंट लेवल्स हम डिस्कस करते हैं बट कैपिटल जितना हो सके इन दिनों के अंदर इस हफ्ते के अंदर स्पेशली सर्वाइव करना है अपने को कैपिटल छोटा छोटा लॉसेज छोटे छोटे जब कमाने के बाद ये होगी तो बड़ा कमाने का यहाँ पर अपने को प्लान करना है लेवल्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर यहाँ देखो ये अपना ट्राइंगल पैटर्न अपसाइड ब्रेकआउट अलॉन्ग विथ ये रिजेक्शन 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 तो ये डबल कन्फर्मेशन कर देगा अपना फिफ्टी टू थाउजेंड फाइव वन जीरो अच्छा इसमें एक चीज ध्यान रखना जैसे ही फिफ्टी टू थाउजेंड फाइव वन जीरो ब्रेकआउट करता है तो इसका नेक्स्ट रिजेक्शन जोन यहीं पे फिफ्टी टू सिक्स ट्वेंटी तो अपने को अब जो सिचुएशन है अब जो यहां पर टाइम आ चुका है आने वाला ये जो हफ्ता चल रहा है तो यहां पर पांच सौ छह सौ आठ सौ पॉइंट कमाने के पीछे मत सोचो अस्सी सौ पॉइंट सवा सौ पॉइंट मैक्स टू मैक्स वैसे पकड़ते हुए चलना अपने को उसके अगेंस्ट में फोर्टी टू फिफ्टी पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस एक बार दो बार स्टॉप लॉस देंगे कोई इशू की बात नहीं बट वन ने शो टू पकड़ते हो तो वन ट्वेंटी पॉइंट्स के नियर अबाउट सोचना उससे बड़ा टारगेट मत सोचना कहीं ना कहीं यहाँ पर चोक करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है आप पैसा लूटने की कोशिश की जा रही है इनडायरेक्टली अगर डायरेक्टली मैं आपको कूँ तो प्लीज खुद को बचाएगा इन चीजों से फिफ्टी टू थाउजेंड सिक्स ट्वेंटी को अगर ऊपर सस्टेन करता है तो फिर इसका नेक्स्ट रिजेक्शन जो इंपॉर्टेंट जोन है वो है फिफ्टी टू थाउजेंड सेवन फोर्टी का नीचे के साइड अगर ये ब्रेकडाउन देता है तो ये सपोर्ट जोन है इसका फिफ्टी टू थाउजेंड थ्री थर्टी ओके okay, इसको ब्रेक डाउन करता है तो फिर ये है मेजर लेवल विच इज फिफ्टी टू थाउजेंड वन फोर्टी तो इसके नीचे निकलता है तो ये है इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल यहां पर फिर मार्केट टेस्ट करने के लिए आ सकता है इसको ब्रेक डाउन करके सस्टेन करता है तो ये इसका पहला फिर लेवल निकल के आता है फिफ्टी वन थाउजेंड नाइन थर्टी एंड ये फिफ्टी वन थाउजेंड सेवन सेवेंटी केसपास हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं आई होप द पॉइंट इज क्लियर छोटे छोटे लेवल्स अपने को छोटा छोटा स्कैल्प ट्रेड के हिसाब से कंसिडर करना है आप देखो थर्सडे के दिन पर निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है तो फोकस ऑन बैंक निफ्टी सिंपल सा फंडा बांध लो ये जिस दिन एक्सपायरी जिस चीज़ की एक्सपायरी हो रही है अगर आप इनडायरेक्ट रेड करते हो सिस्टम को जैसे मैं भी यूनिकॉम सिस्टम को फॉलो कर रहा हूँ तो वो सिर्फ बैंक निफ्टी को है तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ रैंडमली करते हो कभी आप फ्लेक्सिबल हो निफ्टी में कभी करते हो कभी बैंक निफ्टी भी करते हो तो सिंपल से दिमाग रखो यहाँ पर और कुछ मगजमारी करने की जरूरत ही नहीं है निफ्टी की एक्सपायरी है तो फोकस ऑन बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी तो फोकस ऑन निफ्टी तो इसमें आपके पास ऑप्शन यही है कि निफ्टी फिर मिट्टी या निफ्टी अगर अच्छा लगता है तो वो फोकस करो अगर बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो फिर निफ्टी को भी थोड़ा बहुत अवॉइड करो क्योंकि कॉम्पोन्ट्स तो ऑलमोस्ट सेम है आई होप द पॉइंट इसके लिए आपको मैं यहाँ आप पर डिफ्रेंशियट बता रहा हूँ तो ऐसे हिसाब से वो फोकस आपको करना है तो अभी थर्सडे के दिन पर निफ्टी की एक्सपायरी तो फोकस ऑन बैंक निफ्टी फिर भी अगर आपको निफ्टी में इंटरेस्ट है निफ्टी का क्या है तो उस हिसाब से हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं आप देखो अपसाइड का ये खुला मैदान है क्योंकि अगर मैं ये लेवल्स पे ब्रेकआउट की बात करूं तो मेरे पास अपसाइड का जोन नहीं है अगर मैं ये लास्ट रिजेक्शन की बात करूं इसके ऊपर ब्रेकआउट आता है तो मेरे पास यहाँ पर कुछ टारगेट नहीं है तो मैं अपसाइड की यहाँ पर बात करूंगा नहीं वो थोड़ा बहुत इलॉजिकल होगा बस गैस वर्क वाला काम होगा तो वो मुझे करने नहीं आता और ना ही मैं आपको सजेस्ट करूँगा चीज़ों को करना चाहिए आपको नीचे के साइड पर सिंपल रखते हैं हम लोग यहाँ पर रिसेंटली इसने क्या किया है अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना ये बहुत क्रूशल लेवल है यहाँ पर ध्यान से देखिए और समझिए इस पॉइंट को रिजेक्शन 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 यहां पर उसने ब्रेकआउट दिया था सपोर्ट लिया इस लेवल पे अपसाइड ने फाइनली यहां पर अच्छे अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया सपोर्ट लिया फिर अपसाइड को मैं अब यहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है तो पहले ये हो गया रिजेक्शन जोन यहां से इसने कंसीडर किया इसको सपोर्ट जोन के हिसाब से कौन सा जोन है ये 24,580 वाला अब अगर इसको कल के दिन पे ब्रेक डाउन करता है तो इसके बाद सीधा सपोर्ट लेवल इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ये है इंपॉर्टेंट लेवल यहां पर आप कंसिडर कर सकते हो विच इज ट्वेंटी वाला लेवल इसके नीचे आता है देन दिस इज अवर सपोर्ट जोन जो है ट्वेंटी फोर थाउजेंड फोर ट्वेंटी वाला उसके नीचे ट्वेंटी फोर थ्री सिक्सटी ट्वेंटी फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड और इसके नीचे आता है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए वहां पर हम डिस्कस कर लेंगे वो भी एब्सोल्युटली फ्री है अगर इसका आप यहाँ पर ऑप्शन चेन डेटा उठा के देखते हो तो एक बार आपको वो भी मैं दिखा देता हूँ निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा एटीनथ ऑफ जुलाई अपसाइड का जैसे कि मैंने आपको लास्ट एनल से बताया था कोई सेंस नहीं बनता है यहां पर अच्छा खासा ओपन ओपन इंटरेस्ट आपको दिख रहा है बट हमारे लिए वो वेल्यूबल नहीं है वेल्यूबल क्यों नहीं क्योंकि वो अनचार्टेड टेरिटी की बात है अब यहां पर मुझे दिख रहा है कि चौबीस हजार आठ सौ पे टू लैख फोर्टी एट थाउजेंड के आसपास कॉन्ट्रैक्ट हैं ठीक है अब लेट से फॉर एग्जाम्पल ये ट्वेंटी फोर थाउजेंड सेवन एटी पे आता है तो ये लोग पैनिक करेंगे बट पैनिक तो करेंगे बट ये चौबीस हजार आठ सौ से कितना ऊपर जा सकता है वो क्वेश्चन मार्क है तो कोई सेंस बनता है मेरे लिए तो सेंस नहीं बनता है इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा आई होप द पॉइंट इज आई थिंक कल या कि परसों किसी ने कमेंट किया था कि आप ये साइड क्यों नहीं डिस्कस करते ये साइड डिस्कस करने का रीजन नहीं डिस्कस करने का रीजन यही है कि वो अनचार्टेड टेरिटरी है ये साइड डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि अपने को पता है कि ये जैसे मेरा सपोर्ट लेवल है ट्वेंटी अब उसके नीचे ब्रेक डाउन करता है तो मेरे पास क्लियर सपोर्ट लेवल है तो इसलिए मैं यहाँ पर फोकस कर रहा हूँ देखो अभी चौबीस हजार छह सौ पे लगभग दो लाख सत्तावन हजार ढाई लाख के आसपास का यहाँ पर अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है अगर इसको अटैक होता है ये लोग पैनिक करते हैं तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है क्यों क्योंकि उसके बाद वन लाख थर्टी थ्री थाउजेंड टू लैख एटी फाइव थाउजेंड ये अच्छे खासे ओपन इंटरेस्ट है अपने को दिख रहा है कि फाइव एटी के नीचे पैनिक करता है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट इसका ट्वेंटी फोर फोर नाइनटी है उसके बाद फिर ट्वेंटी फोर फोर ट्वेंटी है तो ऐसे हम कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि अपने पास वो चार्टेड टेरिटरी भी है साथ में अपने को अच्छा खासा यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है स्टिल मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि निफ्टी की एक्सपायरी है फंसने से अच्छा फोकस ऑन बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी ज्यादा क्लैरिटी है उस भी एक चीज का ध्यान रखना इसको चोक किया गया है पूरी तरीके से मल्टीपल टाइम चीजों को टेस्टेड है हर कोई ये लेवल लगा के वो बैठा होगा अगर ये ब्रेकआउट देता है तो कोई बड़ा ऐसा मूव वगैरह एक्सपेक्ट मत करो तो देखो हो सकता है बट अपने को यहाँ पर थोड़ा सा सिक्योर होते हुए चलना है अगर यहाँ पर ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पर एटी ट्वेंटी रूल फॉलो कर दो मतलब यहाँ पर एटी प्रॉफिट बुक बाकी का स्टॉप लॉस भाव पर लगा के आपने ऐसा करके छोड़ दिया तो वो थोड़ा सेफ्टी है तो इसलिए हम लोग यहाँ पर ऐसे करेंगे तो ट्वेंटी जुलाई के लिए कहीं ना कहीं अपने पास कैपिटल होगा और वहां पर हम लोग फिर ट्रेड करने के लिए लड़ने के लिए हम लोग रेडी रहेंगे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा लाइक में कंजूसी कर देते हो पता नहीं इतने लोग देखते फिर भी लाइक नहीं करते लाइक जरूर कर दिया करो थैंक्स फॉर वा वॉचिंग वेल सी तो नेक्स्ट वीडियो